सुजानपुर के स्थानीय संकट मोचन द्वार पर इस बार बैसाखी पर्व पर किए जाने वाला स्नान नहीं हो पाया है। वहीं मंदिर में उड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को नहीं मिली है। द्वार के नीचे की ओर स्थापित झरना, जिसे स्थानीय भाषा में छराहा नाम से जाना जाता है, इस बार खाली ही रहा है। बता दें कि संकट मोचन द्वार कभी महाराजा संसार चंद का प्रवेश द्वार कहला जाता था। मान्यता है कि यहाँ पे निसंतान औरतों द्वारा स्नान करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। सुजानपुर से हमारे संवाददाता राजन मेहता ने संकट मोचन द्वार पर जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। संसार चंद की नगरी के लिए प्रवेश द्वार जो महाराज संसार चंद ने बनाया था, आज उसे संकट मोचन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का ये विशेषता रही है कि इस मंदिर में मंदिर के जो नगर में प्रवेश द्वार था, यही एक प्रवेश द्वार था जिसमें लोग इस मंदिर के प्रवेश करते थे। और मतलब जो युद्ध महाराज संसार चंद जो इस नगरी में जो संसार चंद नगरी बसाई थी सुजानपुर टीरा, इसी मार्ग से होकर लोगों को संसार चंद नगरी में पहुंचा जा सकता था। लेकिन आज इस मंदिर को संकट मोचन द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में आज जो भंडारे का आयोजन किया जाता था, जिसपे हजारों संख्या में लोग मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते थे, और इसमें हजारों की संख्या में लोग जो भंडारे का लुप्त भी उठाते थे, लेकिन लॉकडाउन और कंफ्यू के चलते इस मंदिर में आज जो सन्नाटा छाया हुआ नजर आ रहा है। इस मंदिर में जो एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पे जो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो निसंतान दंपत्तियां थी, उनके द्वारा भी इस मंदिर के जो स्नान आदि करने से इस मंदिर में दंपत्ति महिलाओं को और जो दंपत्ति निसंतान दंपत्ति जोड़े थे, उनको संतान सुख की प्राप्ति भी 1 वर्ष के बाद हो जाती थी। लेकिन कंफ्यू के चलते लोगों ने अपनी मान्यता को छोड़कर घर पे ही रहे हैं, और इस जो मंदिर है इसमें प्रवेश नहीं किया है। और मंदिर में जो आप देख सकते हैं, ताले आदि भी प्रशासन के द्वारा लगा दिए गए हैं, और कोई भी इसमें कार्यक्रम का आयोजन आज नहीं हुआ है। इस प्रशासन जो कमेटी प्रबंधक है, उसके द्वारा जो राशन इत्यादि था वो स्थानीय प्रशासन उपमंडल अधिकारी सुजानपुर को दे दिया गया है। इस मंदिर कमेटी जो की एक सराहनीय कार्य भी किया हुआ और लोगों की चर्चा भी बनी हुई है कि इस मंदिर का जो योगदान रहा वो सराहनीय कदम जो है इस मंदिर प्रबंधक कमेटी के द्वारा लोगों ने जो उपमंडल अधिकारी को दान दे दिया है वो कार्य सराहनीय रहा है। और इस मंदिर में जो क्या बोलते कमेटी थी, उस मंदिर की कमेटी लगातार 1 हफ्ते में जो जग का आयोजन हर मंगलवार को किया जाता था, वो आयोजन भी जो लॉकडाउन और इसके बाद जो कंफ्यू के चलते बंद कर दिया गया है। और जो भी राशन उनको दान में मिल रहा है, ये जो भी सहयोग करते थे, वो पूरा का पूरा राशन उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में पहुंचा रहे हैं, ताकि गरीब लोगों को ये राशन मुहैया हो पाए, जिसके लिए उपमंडल अधिकारी ने भी इसकी तारीफ करते नजर आ रही है। कैमरामैन सौरभ गुप्ता के साथ एच टुडे के लिए राजन मेहता संवाददाता।